नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। भाई अपना नाम बताओ। प्रदीप नाम है भाई, गांव का नाम मदीना, जिला रोहतक, तहसील में हम भाई। अच्छा, तो भैंसों के सेल परचेज का काम? अब सेल परचेज का काम भी, दूध का काम भी, दोनों काम है भाई अपने। कब से कर रहे हैं ये काम? अपन 4 साल हो गए भाई करते हैं। तो अभी आपके पास टोटल कितने पशु हैं? मेरे पास बस 17-18 पशु हैं। और बिक्री के लिए कितने हैं? बिक्री के लिए भाई आज हैं अपने 6-7 पशु हैं। 6-7। तो ये जैसे पहले नंबर पे है, इसकी थोड़ी डिटेल बताओ। या पहले ब्याह किया भैया, आज 20 दिन की ब्याह होली, फर्स्ट टाइम की झोटी है यहाँ 4 दांत में, और 12 किलो दूध मुक्के पे तैयार है भाई। अच्छा, और काफ क्या है? नीचे कटड़ी है भाई। नीचे कटड़ी है, और बिल्कुल थोड़ी सी पूंछ सफेद है। तो भाई इसकी जायज कीमत बताओ क्या है? इसके 90,000 रुपये हैं भाई। 90,000 रुपये है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मीनी है, ये दूसरे ब्याह की है, 4 दिन की ब्याह है। सींग वगैरह हिलते हैं? सींग दोनों हिल रहे हैं भाई। एक बार हिला के दिखाना जरा। दोनों सींग हिल रहे हैं भाई। अच्छा, ये कौन से ब्याह की है? ये दूसरे ब्याह की है भाई। दूसरे ब्याह की है, कितने दिन हो गए ब्याह हुए? 4 दिन की ब्याह है भाई। अच्छा, खीस से तो खाली कर दी? खीस तो खाली, जमा की खाली कर दी। खीस कितना है? खीस तो खाली होंगे भाई, 10-11 लीटर दूध है भाई। कितने लीटर तक जाने की उम्मीद है इसकी? भाई 14 लीटर तो नॉर्मल निकाल लेगी भाई। अच्छा, तो नीचे मेल है फीमेल है? मेल है भाई। मेल काफ है, और मीनी बिल्कुल जेट ब्लैक है ना? हाँ, पूरी जेट ब्लैक है भाई। मीनी एक भी सफेद बाल नहीं है भाई। तो क्या डिमांड कर रहे हो इसके? 90,000 रुपये भाई। इसके 90,000 रुपये। अच्छा, जो आप कीमत बता रहे हो ये ठीक है कि ना भाई? मौके पे जो भाई लेना होगा हो जाएगा मौके पे, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा भाई। अच्छा, ये तीसरे नंबर वाली है? ये पहले ब्याह के 4 दांत है भाई। अच्छा, और आज चौथे 5वें दिन की ब्याह में 9-10 लीटर दूध मौके पे तैयार है भाई। पीछे क्या है? नीचे कटड़ा भाई। नीचे कटड़ा है। अच्छा, बढ़िया है, मतलब पहले ब्याह के हिसाब से काफी बढ़िया है। हाँ, तो क्या कीमत है इसके? 85,000 रुपये भाई। अच्छा, तो आप ये भैंसे खरीदते कहाँ से? अपने लोकल लोकल गांव में से खरीदते, लोकल किसान के पास से खरीदते हैं भाई। अच्छा, हाँ। जैसे कि हरियाणा और राजस्थान की मुर्रा में कोई अंतर होता है भैया? वहाँ की राजस्थान की भैंस अपनी यहाँ पे आके सेट नहीं होती भैया, वहाँ पे कच्चा, यहाँ पे पक्का भैया। अच्छा, उनका खाना पीने का और है अपना और है भाई। हाँ, ये वाली तीसरे नंबर की, ये भी पहले ब्याह की झोटी है भैया, 4 दांत में। या सुबह खीस तक खाली कर दी, शाम ने देखो कितना देगी भाई। सुबह खीस से खाली थी। तो सुबह कितने बजे निकालते हो? सुबह 4 बजे भाई। 4 बजे, शाम ने भी 4 बजे भाई। अभी भी 4 बजने वाले हैं। अच्छा, और ये बच्चा क्या है? शायद कटड़ी है इसके नीचे भाई। अच्छा, कटड़ी है भाई। तो क्या कुछ डिमांड है इसके? 95,000 रुपये भाई। 95,000। ये थोड़ी सी हल्की लग रही है, आप कीमत भैया ज्यादा मांग रहे हो ना भैया? जुगुर मान लिया, ब्याहने के बाद पशु टूट जा भाई, टूटे बाद हल्का दिखे पशु, ज्यादा है मानने की बात है तो। अच्छा, ये वाली 5वें नंबर वाली, ये भैया 2-2.5 महीने की ब्याह होगी। अच्छा, महीने के करीब प्रेग्नेंट है ये, इसमें 13-14 लीटर आज मौके पे तैयार है भाई। अच्छा, हाँ, तो कौन से ब्याह की है ये भैया? अगले तो पहले ब्याह की दावत है, दूसरे मान के लेके आए हैं भाई। बहुत ही जोरदार है ना? हाँ, और थन एकदम बराबर है, चारों एक बराबर, मतलब फेसिंग बहुत बढ़िया है। तो इसकी क्या डिमांड है? इसके 85,000 रुपये भाई। 85,000, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाली, ये भाई होली में 20 दिन की ब्याह, पहले ब्याह थी, 4 दांत झोटी है भाई, काफी खूबसूरत। इसमें 11-12 किलो दूध मक्के तैयार है, नीचे कटड़ा भाई। नीचे क्या है? कटड़ा भाई। नीचे कटड़ा, बहुत ही खूबसूरत, देखिए पीछे से, मतलब लग ही नहीं रही एक पहले ब्याह की है। तो कितने लीटर तक दूध दे सकती है भैया? कम से कम 14-15 लीटर तो नॉर्मल निकाल लेगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पर आपने पक्का कर रखा है ना? हाँ, और अंदर भी पक्का है? अंदर भी पक्का भैया। इसका रेट है भैया 78,000 रुपये, लास्ट वाली की 78,000 रुपये भाई। अठहत्तर हजार है। हाँ,
मतलब सफाई वगैरह में आसानी हो सिर्फ इसलिए करते होंगे ना? हाँ, सफाई में आसानी हो इसलिए करते हैं भाई। अच्छा, तो आपके पास ये सेट है? हाँ। लगभग कितने एनिमल के लिए है ये भैया? इसमें 23-24 पशु आराम से बन जाते हैं भैया। 23-24 पशु आराम से बन जाते हैं, वो भी दूध निकालने लग रहे हैं और भैंसों का भी ना। और अच्छा, अगर कोई बाहर से खरीदार आए? हाँ भैया। अदर स्टेट से आए तो कुछ ठहरने वगैरह की व्यवस्था है यहाँ? रुकने की सुविधा भैया, खाने पीने की सारी सुविधा भैया यहाँ पे। अच्छा, खाने पीने की यहीं से हो जाती है? यहीं से हमारे पास से हो जाती है भैया। अच्छा, तो अगर कोई संपर्क करे आपसे अपने फोन नंबर बताओ। 740-469-1415 भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये है आपका रहने की व्यवस्था, ऊपर भी है? हाँ, ऊपर भी रहने की है भैया, नीचे ऊपर भी रहने की है, नीचे भी रहने की। थोड़ा खोल के दिखाएंगे भैया, यहाँ पे लोक मिलेगा आपको। चलो, अभी लोक है, लोक है, यहाँ भी रहने की सुविधा और ऊपर भी रहने की सुविधा भाई। बहुत बढ़िया, हाँ, दोनों से सुविधा। ये देखिए, खुले खेतों में डेयरी है भाई की, काफ़ी बढ़िया। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।